मध्य प्रदेश चुनाव से पहले कहीं ना कहीं नाथूराम गोडसे को लेकर अब सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। ताजा मामला नाथूराम गोडसे की जयंती को लेकर है, जहां पे हिंदू महासभा के कार्यकर्ता ग्वालियर के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में जयंती मनाने के लिए पहुंचे और जैसे ही इस बात की खबर पुलिस को लगी, पुलिस मौके पर पहुंची और जहां पर पुलिस ने नाथूराम गोडसे की तस्वीर के साथ उस युवक को अपनी कस्टडी में लिया है, तो वहीं हिंदू महासभा ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर देश में गोडसे की मूर्ति लगवाने की मांग की है, जिसको लेकर आज ग्वालियर में एक बार फिर से हंगामा खड़ा हो गया है। पुलिस और हिंदू महासभा के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है और हिंदू महासभा के कार्यालय के बाहर यहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। हिंदू महासभा ने चेतावनी दी है कि वो किसी भी कीमत पर गोडसे की जयंती मना करेंगे। तो देखिए एक बार फिर से हिंदू महासभा और पुलिस आमने सामने आ गए। दरअसल नाथूराम गोडसे की जयंती पर और आज के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए मुस्लिम बाहुल्य इलाके पहुंचे और यहां पर जयंती मनाई जा रही थी हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं की तरफ से, और जैसे ही इस बात की भनक पुलिस को लगी, पुलिस मौके पर पहुंची और उस शख्स को जो यहाँ पे जयंती मना रहा था उसको अपनी कस्टडी में लिया है। लेकिन देखिए यहाँ पर किस तरीके से मुखर नजर आ रहा है हिंदू महासभा। हिंदू महासभा ने बाकायदा पत्र लिखकर पीएम मोदी को गोडसे की मूर्ति बनवाने की मांग की है और इसी बात को लेकर सियासत गर्मा गई है। हिंदू महासभा ने पुलिस और हिंदू महासभा आमने सामने है और यहाँ पर देखिए हिंदू महासभा के कार्यालय के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती। हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष लोकेश शर्मा जी ने मांग की है ग्वालियर से कि प्रधानमंत्री जी पूरे देश के अंदर हुतात्मा नाथूराम गोडसे जी की प्रतिमा लगाएं, अनुमति दें। तो यदि हम अनुमति मांग रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? हमारे लोकतंत्र में दिए गए अधिकार का हम उपयोग कर रहे हैं। हुतात्मा नाथूराम गोडसे का जन्मदिन मनाने आए हैं। आज उनका 114वां जन्मदिन है, जिसे हिंदू महासभा हर साल मनाती आई है। यहाँ पर जब हम आए तो हमें प्रशासन द्वारा रोक दिया गया, जलाल खां की गोट मंदिर पर, तो यहाँ प्रशासन द्वारा हमें रोक दिया गया। पुलिस हमें अंदर नहीं जाने दे रही, फल हमने वितरण कर दिए हैं और हम बिना आरती करिए हुए नहीं जाएंगे यहाँ से। बिल्कुल सूचना मिली थी कि आज गोडसे जयंती पर हिंदू महासभा द्वारा कुछ कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है, इसी सूचना के आधार पर यहाँ पुलिस बल लगाया गया है। लेकिन अभी शांति है, अभी तक कोई कार्यक्रम ऐसा आयोजित नहीं किया गया है। आयोजन करते हैं तो क्या? हाँ, अगर कोई अवैधानिक रूप से जो आयोजन अगर पब्लिक तौर पर कोई करते हैं तो जो भी उचित वैधानिक कार्यवाही है वो की जाएगी। उधर नाथूराम गोडसे के पूजा कार्यक्रम के मामले में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का बयान सामने आया। महात्मा गांधी जी के हत्यारे का महिमा मंडन हो रहा है और महिमा मंडन करने वालों से गुजारिश करूंगा, अगर वो सही सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो इस पर सोचे जरूर। अब देखिए किस तरीके से अब राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। हिंदू महासभा अपनी बात को लेकर, अपनी मांग को लेकर डटा हुआ है, तो वहीं अब देखिए किस तरीके से काउंटर किया जा रहा है। जिस व्यक्ति ने पूज्य महात्मा जी की हत्या की हो उसका इस तरह से महिमा मंडल बनाने का, मैं ऐसे लोगों से इतने ही गुजारिश करूंगा कि यदि वो सही सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो इस पर दोबारा सोचा जाए। कर्ण मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। कर्ण, ग्वालियर में हिंदू महासभा की तरफ से नाथूराम गोडसे की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन देखिए पुलिस ने उस शख्स को कस्टडी में लिया है। कितने लोगों को कस्टडी में लिया गया और पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई? देखिए आपको बिल्कुल बता दूं मैं कि ग्वालियर में हिंदू महासभा हर साल जो है नाथूराम गोडसे से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन करती है और पूजा अर्चना करती है, लेकिन इस बार जो है वो पुलिस की सख्ती देखने को मिली है। जिस तरह से पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत हिंदू महासभा ने जलाल खां की गोट में फल वितरण और पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया था, इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची थी और उन्होंने वहां पर पूजा करने से उनको रोका था। इसके साथ ही वहां पर जो लोग मौजूद थे, जिलाध्यक्ष उनके मौजूद थे लोकेश शर्मा, उन सभी को वहां से जाने के निर्देश दिए गए। उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया था क्योंकि कार्यक्रम की अनुमति नहीं ली गई है, ऐसी स्थिति में आयोजन नहीं कर सकते हैं। बहरहाल काफी देर तक हाई वोल्टेज पूरा एक हंगामा देखने को मिला था। उसके बाद ये सभी कार्यकर्ता जो हैं वो दौलतगंज स्थित कार्यालय पर पहुंचे थे, क्योंकि वहां पर पहले से ही पुलिस मौजूद थी, ऐसी स्थिति में उनको पूजा करने नहीं दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले पर हिंदू महासभा के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर जयवीर भारद्वाज, उन्होंने इस बात को लेकर साफ कहा है कि हिंदू महासभा हर साल जो है अपना इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करती है और आज भी वो इस कार्यक्रम को करेंगे। यदि पुलिस उनको रोकेगी तो आने वाले दिनों में इसको लेकर
वो बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे। इसके साथ ही इस पूरे मामले पर जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, उनसे जब इस पूरे मामले पर सवाल किया गया था कि लगातार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो हत्यारा है नाथूराम गौड़ से, उसका महिमा मंडन किया जाता है ग्वालियर की धरा पर, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोग महिमा मंडन करते हैं उनको एक बार ये सोचना चाहिए कि यदि वो वाकई हिंदुस्तानी है तो वो इस तरह का कार्यक्रम करते हैं तो क्या ये उनके अंदर से उनको लगता है कि ये सही है या गलत है। वहीं इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से ये मांग भी कर दी गई है, जो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं उन्होंने मांग की है कि इस हिंदू महासभा पर जो है कांग्रेस अपना वचन पत्र जब लेके आया तो उसमें बैन करने की मांग उनके द्वारा की गई है। ठीक है, कल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।